बच्चों, क्या आपको भी पेडिग्री के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग लगते हैं? ऑप्शंस में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है? तो चलिए आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि महज कुछ सेकंड्स में आप किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाए। हर पेडिग्री कुछ सिंबल से बना होता है। वेयर द सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल, और चार्ट के लेफ्ट में गिवन रोमन न्यूमरल्स डिपिक्ट करते हैं जनरेशंस को। द लाइन बिटवीन द पेरेंट्स इज मैरिज लाइन एंड दिस लाइन कनेक्ट्स द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। एंड तक बने रहिए, सून द सीक्रेट वुड बी रिवील्ड। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक डिजीजेस। ऑटोसोमल का मतलब कि अफेक्टेड जीन नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एंड सेक्स लिंक मींस अफेक्टेड जीन या अलील इज लोकेटेड आइदर ऑन द एक्स क्रोमोसोम और ऑन वाई क्रोमोसोम। नाउ दिस ऑटोसोमल डिजीज कैन फर्दर बी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड द सेक्स लिंक डिजीज कैन बी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड डिजीजेस हमेशा सिर्फ मेल्स टू मेल्स ही इनहेरिट होगी, जबकि एक्स लिंक डिजीज डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकती है, और यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कैन बी अफेक्टेड। बट हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल? तो हमेशा याद रखेंगे, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस फॉर्म, एंड रिसेसिव ट्रेट सिर्फ तब एक्सप्रेस होगा जब डोमिनेंट अलील एब्सेंट हो और दो रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट हो। रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो खुद तो अफेक्टेड नहीं है पर ट्रेट कैरियर है। इनके जीनोटाइप में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील होगा। नाउ इज द टाइम फॉर हिट ट्रिक। सो अगर किसी भी पेडिग्री में डिजीज किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करती, विच मींस कि एट लीस्ट हर जनरेशन में एक अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। साथ ही द अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव द अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। सो इन एनी पेडिग्री अगर डिजीज किसी भी जनरेशन को स्किप करता है या फिर अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब बात करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज की। ये डिजीज कभी भी फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं होगा, एंड ऑलवेज द अफेक्टेड फादर विल हैव द अफेक्टेड डॉटर्स। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक कि कैसे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को पहचानेंगे। यूजुअली द मेल्स आर मोर अफेक्टेड एंड द डिजीज ट्रांसफर फॉलोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, विच मीन्स कि डिजीज हमेशा ग्रैंडफादर से डॉटर में पास होगा एंड देन इट विल बी पास टू द ग्रैंडसन। नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन स्टेट्स इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फिल सिंबल रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेडिग्री। सो हम सिर्फ पेडिग्री को देखकर ही बता पाएंगे व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज बीइंग इनहेरिटेड। देखिए बेटा, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वी आर हैविंग अफेक्टेड इंडिविजुअल, देन नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, देयर इज अ स्किपिंग ऑफ जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन में फिर से एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है। दिस इज द हिट पॉइंट फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एक और बात देख लेते हैं, नाउ लेट्स सी दिस। यहाँ पर भी सेकेंड जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, बट बीच में स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है। And the second point for autosomal recessive disease was कि unaffected parents के affected offsprings हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, unaffected parents के affected offsprings, which clearly indicates that the correct answer for this question should be autosomal recessive disorder. अब आप ऐसे ही और questions की practice करते रहिए, and do comment if you have any doubt. Don't forget to subscribe the YouTube channel for more such informative videos. Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSim users. Just download the Jio TV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers
can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540-52467.